हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शिमला। आज है 31st of August और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी इनफैक्ट ये फॉग, ये ठंड ठंड, तो आज वेदर देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा फॉग है। आज ठंडा ठंडा वेदर है, आने के लिए बिल्कुल मस्त हो चुका है। लॉकडाउन गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि आप RT-PCR टेस्ट करवा के आएँ, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, अब रिपोर्ट जो है 72 आवर्स की रिपोर्ट बोल रहे हैं फिलहाल, जो लेटेस्ट अपडेट है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी, जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप हिमाचल आ सकते हैं। बट आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, प्रॉपर मास्क और नेगेटिव, जेन्युइन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, जेन्युइन ऑथोराइज जगह से, हर कहीं से नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। अभी पास की ज़रूरत नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस है, वो उससे आपको गुजरना है और आप यहाँ आ सकते हैं। ये लिफ्ट की पार्किंग है। जब भी आप शिमला आते हैं तो आप सीधा पूछिए कि आपको, अगर आपको इन केस आपने होटल वगैरह बुक नहीं कराया, करा भी लिया है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, सबसे पहले आप लिफ्ट आ जाइए। कहीं से भी शिमला पूछते हैं तो पूछिए लिफ्ट कहाँ है और लिफ्ट की पार्किंग कहाँ है। ये सामने लिफ्ट है इधर, और लिफ्ट की पार्किंग है यहाँ, आपको पार्किंग मिल ही जाएगी ईजिली, वो सामने यहाँ पर गाड़ी पार्क कीजिए, फिर समझिए आपको जाना कहाँ है, क्योंकि कहीं भी जो आसपास होटल्स हैं वो सारे यहीं से होके गुजरते हैं। कि अपार्ट फ्रॉम YouTube आप क्या करते हो, क्योंकि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर तो नहीं हूँ, तो मैं जॉब भी करता हूँ, मैं एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ शिमला में ही। मैं YouTube मैंने इसलिए किया क्योंकि जेन्युइनली जब मैंने इसे पहला व्लॉग डाला था, तो मुझे उसके बाद कभी ना कभी अपना पैशन डिस्कवर करते हैं ना, तो मेरा पैशन है वीडियोज़ बनाना, जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना, उनके बारे में बताना, मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और मैं जल्दी, आई एम प्लानिंग टू बी अ फुल टाइम यूट्यूबर बहुत जल्दी, बट उसके लिए मुझे उस लायक सब्सक्राइबर बेस चाहिए और मंथली इनकम चाहिए ताकि मैं वो सब कर सकूँ प्रॉपरली। तो अभी के लिए तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ चैनल पे, आप लोगों की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा, उम्मीद करता हूँ आगे भी पहुँचूँगा, देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सामने रही लिफ्ट, टूरिस्ट के लिए काफ़ी पहले एक ही हुआ करती थी, अब दो लिफ्ट बना दी गई हैं, एक इनमें से काफ़ी बड़ी कैपेसिटी वाली लिफ्ट है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, रिज की तरफ जाना है, ये सामने लिफ्ट गई, ₹10, अब पता नहीं अभी फ़िलहाल तो ₹10 ही था, 10 या 12 रुपये लगते हैं आपके और सीधे आप मॉल रोड पहुँच जाते हैं। ये सामने लिफ्ट है, ये रही पार्किंग, और ये रही शिमला की आम चढ़ाई, और ये शिमला की, ये वाला रास्ता जो इधर को देख रहे हैं आप, ये ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही है, ये ऊपर मीट मार्केट है काफ़ी बड़ी, और सब्जी मंडी है इधर ही, ये ऊपर, ये सामने पार्किंग की, तो ना शिमला में बैंड बजी हुई है, हमारे को जहाँ जगह मिलती है वहाँ हम गाड़ियों को छेड़ देते हैं। देखो जिन लोगों को लिफ्ट में नहीं जाना है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, डर लगता है, तो ये चढ़ाइए, देख लो लिफ्ट से थोड़ा सा ही आगे आके, किसी को पूछिए घोड़ा अस्पताल कहाँ पे, वहाँ से चढ़ाई चढ़ती है, ये वाली चढ़ाई भी आपको मॉल रोड की तरफ लेके जाएगी, बट यही है कि फिर चढ़ाई ज़्यादा है, मतलब अगर आपको चढ़ने में दिक्कत है तो इतना बता दूँ कि इसके बाद यहाँ भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं काफ़ी सारी। तो अगर आप पैदल आ रहे हैं तो कम प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको फिर ये वाली सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी अगर आप लिफ्ट से नहीं आ रहे। वैसे तो और रास्ते भी हैं, उधर को कोर्ट भी है, हाई कोर्ट वाला रास्ता भी, वो थोड़ा सीधा सीधा, यहाँ से आप पैदल मॉल जा सकते हैं, और भी मतलब और भी 2-3 रास्ते हैं, सीढ़ियाँ तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी है। तो ये वाली गलियाँ और सीढ़ियाँ सीधी आपको लेके जाएंगे रिज की तरफ और मॉल रोड। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसी गलियों से गुजरना।
तो एक्चुअली अब मैं पहुंच गया हूं वापस सड़क में। मुझे छोटू सा काम था, एक काम क्या बता ही देता हूं आपको। एक्चुअली ऑफिस से ड्रेस मिली है तो अनस्टिच्ड मिलती है वो, अनस्टिच्ड मिलती है वो, तो स्टिच करने के लिए गया था मैं। भाई कुत्तों ने घेर रखा है वाला एरिया, इधर से जाऊँगा, पता लगा गुस्से में आके काट लें। ये सामने लिफ्ट है, आप अच्छे होटल्स पूछते हैं ना जो बिल्कुल ही हब में, सिटी में बिल्कुल ही पॉइंट पे जाके मिल जाए आपको, तो कॉम्बर मेयर है। ये सामने देख रहे हो, इनकी अपनी इंडिविजुअल लिफ्ट है और ये बिल्कुल मॉल रोड को कनेक्ट करता है, मतलब बिल्कुल जो ऊपर वाला जो एंट्री है इसकी, इट वुड ओपन समवेयर ऑन, मतलब ये जो एंट्री खुलेगी ये सीधी मॉल पे खुलती है इनकी। अच्छा होटल है, व्यू अच्छा है, पार्किंग सब कुछ है पास में ही, गाड़ी भी कहीं टेंशन नहीं पाप को होगी कि कहाँ खड़ी है। होटल भी ठीक है, आप अच्छा होटल, ये बजट होटल नहीं है, होटल थोड़ा महंगा। ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ठीक पीछे ये सामने पार्किंग रही, अगर आपकी गाड़ी यहाँ भी खड़ी होती है। लिफ्ट का पुल है ये वाला, तो आप देख लो लिफ्ट का पुल, ये पार्किंग, यहाँ से एक मिनट का वॉक सीधा लिफ्ट में गए या पैदल गए कॉम्बरमेर की होटल की पार्किंग। और ये पहुंच गए जी, तो ये बजट होटल्स में तो नहीं आता पड़ेगी, ये समझ लो कि बिल्कुल सिटी में हब में है बिल्कुल, और आसपास सब कुछ इजीली मिल जाएगा आपको। रात को घूमने के लिए बड़ा अच्छा है मॉल पे, बढ़िया 9-10 बजे। ये रही पार्किंग, ये पहले पार्किंग है, ये वाला स्पेस सारा, इसके चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ये चढ़ाई होटल विलो बैंक्स, अगर लिफ्ट से नहीं जाना है तो ये चढ़ाई सीधी मॉल लेके जाएगी आपको। ये चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इनके साहब को ये चढ़ाई भी नहीं चढ़नी है। तो ये पीछे दिख रहा है हाई कोर्ट, ये वो सामने, ये हाई कोर्ट वाला रास्ता है, यहाँ से चले जाओ अंदर को, लेफ्ट हैंड वाला ऊपर राजभवन वाला जो रोड दिख रहा है, ये ऊपर से वॉकिंग जाओगे तो बड़ा, मतलब ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और ईजिली पहुँच भी जाओगे। यही रास्ता जो क्लार्क्स होटल लिखा हुआ है, ओबेरॉय क्लार्क्स, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी महंगा होटल है वो भी, बिल्कुल लैंड रिज पे, रिज पे नहीं सॉरी मॉल रोड पे। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट, और एक छोटी मोटी डिटेल्स आपको मैं देता रहता हूँ शिमला के बारे में, आई होप आपको अच्छी लगती होंगी। छोटा सा वॉक अराउंड था, काम भी था, मैंने सोचा क्यों ना आपको वेदर भी दिखा दूँ और लॉकडाउन की भी छोटी मोटी डिटेल्स दे दूँ। बाकी शिमला में ऐसा हुआ है लॉकडाउन में कि अब फिलहाल के लिए गैदरिंग जो है वो 50 से 100 लोगों की कर दी गई है, फंक्शंस वगैरह में वो भी हो गया है। एक और पार्किंग, इसके नीचे एक और पार्किंग है, 3 पार्किंग है। पर मैं आपको बता दूं कि ये टूरिस्ट सीज़न में पैक हो जाती हैं तीनों पार्किंग, मतलब पैक हो जाती हैं, कई बार जगह नहीं होती इन तीनों में भी जब सीज़न चलता है। अब सीज़न का मतलब समझ लो, ये सीज़न ही चल रहा है अब, क्योंकि नीचे गर्मी हो जाती है दिल्ली में, तो इसके बाद अब सीज़न ही सीज़न है मार्च अप्रैल तक पूरे हिमाचल में। ठीक है गाइज, सो आई एम साइनिंग आउट। सो गाइज आई एम साइनिंग आउट, बताना मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आपको, ये अपडेट्स कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है तो मैं और बताऊंगा आपको और सिटी घुमाऊंगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।